हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिलोटैक्सी, लीफ वैनेशन और लीफ के टाइप्स को पढ़ लिया था। इन दिस क्लास जो बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट था आप लोगों का, उसमें आज हम लोग स्टिप्यूल के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज स्टिप्यूल। एक्चुअली स्टिप्यूल इज अ स्ट्रक्चर विच इज फाउंड एट द बेस ऑफ पिटियोल ऑफ द लीफ। लीफ का जो पिटियोल वाला पोर्शन होता है उस पिटियोल के बेस पर पाया जाता है जो स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है, दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टिप्यूल। सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ स्टिप्यूल फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स। चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टिप्यूल्स होते हैं। देखिए, देयर आर बेसिकली 7 टाइप्स ऑफ स्टिप्यूल फाउंड। द फर्स्ट वन इज एडनेट स्टिप्यूल, बेसल स्टिप्यूल, इंट्रापेटियोलर स्टिप्यूल, लैटरल स्टिप्यूल, ऑक्रिएट स्टिप्यूल, फॉलिएशियस या फोटोसिंथेटिक स्टिप्यूल एंड द लास्ट वन इज स्केली स्टिप्यूल। सो लेट अस डिस्कस ईच टाइप ऑफ स्टिप्यूल वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बना दिया है। यहाँ पर हमने स्टिप्यूल को रेड कलर से सिर्फ इसलिए बनाया है जिससे आपको वीडियो देख करके समझ में आ जाए कि स्टिप्यूल कहाँ पर प्रेजेंट होता है। जनरली स्टिप्यूल का कलर जो होता है वो ग्रीन ही होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको दिखने के लिए दिखाई दे, अलग से दिखाई दे, इस वजह से हमने रेड मार्कर का यूज किया है। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला स्टिप्यूल है वो यहाँ पर है एडनेट टाइप ऑफ स्टिप्यूल। तो एडनेट टाइप का जो स्टिप्यूल होता है वो पिटियोल से पूरी तरह से अटैच होता है, जस्ट लाइक विंग, जैसे पंख होते हैं बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो स्टिप्यूल है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, इट इज फुल्ली अटैच टू द पिटियोल एज विंग्स। ये बिल्कुल पंख की तरह दिखाई देता है स्ट्रक्चर में, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज एडनेट स्टिप्यूल। द नेक्स्ट वन इज नोन एज बेसल स्टिप्यूल। Actually, the type of stipule which present near the base of the stipule, base of petiole पर जो stipule पाया जाता है उसे कहते हैं basal stipule. Now next is intrapetiolar stipule. Intrapetiolar stipule में आप देख रहे हैं जो leaf के जो axil होते हैं वहां पर stipule पाया जाता है and there मार्जिन, इनके जो मार्जिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। देखिए ऊपर की तरफ देयर मार्जिन इज फ्यूज्ड। तो ये हो गया इंट्रापिटियोलर स्टिप्यूल। आफ्टर दिस लैटरल टाइप ऑफ स्टिप्यूल। लैटरल टाइप ऑफ स्टिप्यूल में जो जो पिटियोल होता है, पिटियोल के लैटरली ही यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टिप्यूल क्या है, लगा हुआ है। तो इस तरह का अगर स्टिप्यूल पाया जा रहा है देन दिस टाइप ऑफ स्टिप्यूल इज नोन एज लैटरल स्टिप्यूल। नाउ कम टू दिस, इट इज समथिंग स्पेशल टाइप ऑफ स्टिप्यूल दैट इज नोन एज ऑक्रिएट स्टिप्यूल। ऑक्रिएट स्टिप्यूल क्या होता है, ये जो स्टिप्यूल होते हैं ये फ्यूज करके ऑक्रिया लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऑक्रिया मीन्स शीट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ये नोडल शीट की तरह होता है जो कि इंटर नोडल लेंथ को क्या करता है, चारों तरफ से क्या करता है, घेरे रहता है। तो इस तरह के स्टिप्यूल को हम कहते हैं ऑक्रिएट स्टिप्यूल। ऑक्रिएट स्टिप्यूल के बाद है फॉलिएशियस स्टिप्यूल। फॉलिएशियस स्टिप्यूल इज द स्टिप्यूल विच लुक्स लाइक लीफ, बिल्कुल लीफ की तरह दिखता है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये लीफ है या स्टिप्यूल है। ज्यादातर ऐसे प्लांट्स जिसमें कि लीफ का मॉडिफिकेशन हो जाता है टेंड्रिल्स में, वहां पर फोटोसिंथेटिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो स्टिप्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, फोलिएशियस हो जाता है। इट बिकम्स ग्रीन लीफ लाइक और ये फोटोसिंथेसिस को भी क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ स्टिप्यूल इज नोन एज फॉलिएशियस स्टिप्यूल। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ स्टिप्यूल इज नोन एज स्केली स्टिप्यूल। स्केली स्टिप्यूल कैसा होता है, ड्राई होता है और स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा होता है, बिल्कुल ड्राई होता है। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, मेम्ब्रेनस होता है। दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ
petiole. This type of stipule is known as scaly stipule. Scaly stipule को जब आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल नुकीला needle like structure दिखाई देगा. So these are the different types of stipule found in different plants. In the next video, we will meet with the classification of gymnosperms. Till then, thank you. और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट.